मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और आज फिर ये दूसरा एपिसोड सवाल आपके जवाब हमारे। बहुत से भाई बहनों ने अनेक प्रश्न पूछे हैं और वे अत्यंत भ्रमित हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी किसी भी प्रकार की निजी जानकारी के विषय में कोई कमेंट आप ना डालें, मैं उसका उत्तर देने में असमर्थ हूं और मैं किसी भी प्रकार की दवाई का व्यापार नहीं करता। दवा आपको स्वयं बनानी होगी, नुस्खा संपूर्ण आपको दे दिया जाता है। आप किसी भी चिकित्सक की देखरेख में उस औषध को तैयार करके प्रयोग कर सकते हैं और जब कभी भी किसी नए रोग के विषय में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सिद्ध आयुर्वेदा चैनल को खोलकर देख लिया करें। अभी तक 225 नुस्खे दिए जा चुके हैं जिन्होंने सभी सामान्य रोग कवर कर लिए हैं। तो आप खोलकर देखिए, उसमें से अपने रोग के अनुसार नुस्खा चुनिए और उसको बना करके प्रयोग कीजिए। अच्छा, जब भी आप अपने रोग के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी आयु और उस रोग से कितने दिन से आप पीड़ित हैं ये अवश्य लिखा करें। अच्छा, अब सबसे पहले मैं लेता हूं गंजे सिर पर बाल उगाने वाला तेल। उसमें मैं कुछ व्यक्ति भ्रमित है कि तल्ख बादाम का तेल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके स्थान पर आप तारामीरा का तेल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में लेना है जितना कि तल्ख बादाम का तेल मैंने बताया है। और रोगन साफा जो है वो अरबी भाषा में कलौंजी को कहा जाता है, क्योंकि ये सारी इंग्रेडिएंट यूनानी थी इसलिए इनके नाम भी यूनानी भाषा के ही थे और वो ओरिजिनल मैंने लिखे थे। तो इनको आप लें, ये सभी मिल जाते हैं। अल्टरनेट जिसका जो मिल जाता है आपको वो लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, यूनानी औषध में रोगन बेजा मुर्ग अकेला ही बाल उगाने के लिए काफी होता है, परंतु मैंने इसको कई व्यक्तियों पर इस्तेमाल किया तो इससे पूरा लाभ नहीं आया। तब मैंने ये एक कम्बिनेशन थेरापी, ये कम्बिनेशन तैयार किया था और ये पूर्णतया सा कामयाब है। आप इसको प्रयोग करें, बनाएं। अच्छा, कई भाइयों ने पूछा है कि क्या दाढ़ी के बाल भी काले हो सकते हैं या उग सकते हैं, जो निकल जाते हैं, जो चकत्ते पड़ जाते हैं दाढ़ी में वे इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन दाढ़ी के बाल काले करने के लिए मैंने एक खाने वाली औषध का नुस्खा दिया है, यदि आप उसको खाएंगे तो आपके दाढ़ी के बाल भी काले हो जाएंगे। तो ये तेल के विषय में आपका भ्रम दूर हो गया। अब मैं लेता हूं काला रंग गोरा करने की एक औषध मैंने बताई थी, एक लेप मैंने बताया था। उसमें कई बेटियों ने बोला है कि वह जी चेहरे का रंग पीला हो जाता है, उसमें हल्दी की मात्रा कुछ अधिक है इसके कारण पीलापन आ जाता है। आप उसमें लाल मसूर की दाल का पाउडर 50 ग्राम मैंने उसमें आपको बताया है हल्दी का पाउडर, तो आप 25 ग्राम हल्दी का पाउडर ले लें और 25 ग्राम लाल मसूर का पाउडर ले लें। इन दोनों को मिला करके तब प्रयोग करें तो और भी अच्छा परिणाम आपको आएगा। अच्छा, कुछ बेटियों ने लिखा है क्या इसको पूरे शरीर पे लगाया जा सकता है। देखिए, ये आपकी इच्छा है, जब आप इसको चेहरे पर लगा रहे हैं तो पूरे शरीर पर भी इसको लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप लगा सकते हैं, आपको सुविधा है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ व्यक्तियों ने पूछा है वैद्य जी दवा कितने समय तक लेनी चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए। देखिए, मात्रा का जो निर्धारण है व्यक्ति की आयु, उसके शरीर का बल और उस जो रोग उसके शरीर में आया है, जिस रोग से वो पीड़ित है उसकी अवस्था, इन तीनों को देख करके तय की जाती है। फिर भी मैं सामान्य रूप से औषध की मात्रा लिख देता हूं।
तो उम्र के अनुसार से उसको सेट किया जा सकता है। जहां तक समय की बात है, जब आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए उस औषध को बंद कर दें, 10-12 दिन के लिए बंद कर दें, और फिर कम से कम 15-20 दिन तक और ले लें, तो आपको रोग दोबारा नहीं लौटेगा। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और किसी भी औषध का आपको आदि नहीं होना चाहिए, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक देकर के औषध को लेना आवश्यक होता है। यदि आप त्रिफला का प्रयोग भी करेंगे तो त्रिफला को आप 1-2 महीना लगातार प्रयोग करके 10-12-15 दिन का गैप दे दें और फिर से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गैप देकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कईयों ने पूछा है, बहन बेटियों ने, कि ये जो लेप है इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। आप अपनी त्वचा के अनुसार देख सकते हैं, कुछ व्यक्तियों की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है और वो जल्दी से किसी भी अलग से पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो आप हल्का सा किसी हिस्से पर लगा करके पहले चेक कर ले 1-2 दिन, यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप इसको प्रयोग ना करें। अच्छा, कुछ व्यक्तियों ने पूछा है कि व्यक्ति मधुमेह में क्या शहद का प्रयोग किया जा सकता है, आसव अरिष्ट का प्रयोग किया जा सकता है, क्या गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है? यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में वो व्यक्ति आते हैं जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का मीठा लेना खतरनाक है, नहीं लेना चाहिए। जो टाइप 2 वाले हैं, जो केवल टैबलेट से या आयुर्वेदिक औषध से अपने मधुमेह को कंट्रोल कर रहे हैं, वे शहद भी ले सकते हैं, आसव अरिष्ट भी ले सकते हैं और कम मात्रा में गुड़ भी खा सकते हैं, अधिक मात्रा नहीं। तो यह आपका भ्रम दूर हो गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त मधुमेह के पीड़ित व्यक्ति अंजीर, मीठे के रूप में अंजीर और खजूर, इसको प्रयोग कर सकते हैं निर्भय होकर के, कोई हानि नहीं है। अंजीर वैसे भी ताकतवर होती है, खजूर भी में भी बहुत ताकत होती है, ये आप ले सकते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्तियों ने पूछा है, 1 महीने शहद और चूना मिक्स करके फैट घटाने का नुस्खा दिया था, उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा है कि वैद्य जी, शहद क्योंकि उसको गर्म पानी में डालकर पीना है, तो उन्होंने पूछा कि शहद को गर्म पानी में डालने से वो जहर हो जाएगा, ये एक भ्रम है। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, यदि शहद को आप डायरेक्ट हीट पर गर्म करेंगे तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, उसमें वो गुण रहेंगे ही नहीं जो शहद के गुण उसमें हैं, इसलिए डायरेक्ट गर्म करने से शहद के गुण समाप्त हो जाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। यहां केवल गर्म पानी में उसको घोल कर पीना है और उसके साथ चूने का मिश्रण है, तो आप निर्भय होकर के उसको प्रयोग करते रहें। 1 महीने में 8 किलो तक वजन घट जाता है यदि आप नियम पूर्वक जैसे मैंने बताया है प्रयोग करते रहेंगे। अब मैं आता हूं पथरी वाले नुस्खे पर। पथरी वाले नुस्खे में कई व्यक्तियों को अभी भी बहुत सारी संख्याएं मौजूद है। कई एक व्यक्ति ने पूछा है कि जब बीच में दवाई लेते समय सूप ले सकते हैं कि नहीं? सूप आप ले सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खाने पर भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपको हल्का खाना खाना है और भूख से कम खाना खाना है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दलिया और खिचड़ी आप ले सकते हैं कम मात्रा में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भूखे मर जाएं, भूख यदि बर्दाश्त नहीं हो रही है तो हल्का भोजन लेते रहे। अच्छा, इसमें दर्द होता है, कई व्यक्तियों को दर्द होता है, ये स्वाभाविक है, ये मेरी उपस्थिति में भी होता है। दर्द के समय आप हल्का गुनगुना पानी पियेंगे, आपका दर्द शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि दर्द शांत नहीं हो रहा है तो आप दर्द की टैबलेट ले सकते हैं या दर्द की कोई भी दवाई आयुर्वेदिक ले सकते हैं। मैंने भी पेट दर्द का नुस्खा इस पर डाला हुआ है और आगे भी नुस्खा आपको एक महत्वपूर्ण नुस्खा देने वाला हूं, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो दवा आपने ली है उसका लाभ आपको नहीं मिलता। तो उल्टी की दवा आप कोई भी ले सकते हैं, उल्टी बंद करने की कोई भी दवा आप ले सकते हैं, उल्टी को बंद करना है, यहां तक के इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं उल्टी बंद करने का, तभी आपको पूरा लाभ आएगा।
अच्छा, गर्भवती स्त्री को यदि उल्टी होती है इस औषध को लेते हुए तो वो तुरंत दवाई लेना बंद कर दे, ये सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। ऐसा मुझसे पूछा गया था, एक महिला ने मेरे से पूछा था। अच्छा, एक व्यक्ति ने मेरे से बहुत गंभीर सवाल किया है। वो कहते हैं कि वह जी, जिनकी पथरियां निकल गई हैं उनके नाम दो, तभी हम विश्वास करेंगे और तभी हम इस नुस्खे को प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। देखिए, प्रत्येक जानकारी नहीं दी जाती। अब यह चैनल इस स्थिति में पहुंच गया है और यह नुस्खा इस स्थिति में पहुंच चुका है कि व्यक्तियों की पथरियां निकल रही हैं, और शुरू शुरू में सबको भ्रम था कि पथरियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, इससे लाभ होगा या नहीं होगा, परंतु निरंतर लाभ होते हुए अब ये इस स्थिति में आ गया है कि एक व्यक्ति ने लिखा है कमेंट में कि उसकी 100 पथरियां निकली हैं, 100 से भी अधिक पथरियां निकली हैं। तो अब मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको कि नाम दो। आप कमेंट देखिए, लोगों के कमेंट पढ़िए, जिन्होंने प्रयोग किए हैं, जिनकी पथरियां निकल रही हैं उनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं आता तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नुस्खे को प्रयोग ना करें, क्योंकि आप भयभीत हैं, आपको लाभ नहीं भी हो सकता और हानि भी हो सकती है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कि वह जी, आप पहले डिस्क्रिप्शन में नुस्खे को लिख दिया करते थे, दवाइयों के नाम लिख दिया करते थे। यहां मैं बहुत दुखी हूं, कुछ चिकित्सकों ने मेरे ईमेल पर रिक्वेस्ट की थी कि वैद्य जी, आप ये सारे नुस्खे सार्वजनिक कर रहे हैं, इसमें कुछ शास्त्रीय नुस्खे भी हैं, शास्त्रीय औषध प्रयोग की गई हैं, आप दूसरे आप इस चिकित्सा पद्धति को चिकित्सकों को हानि पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे केवल एक रिक्वेस्ट की कि आप बनाइए, वीडियो बनाइए, आप बताइए लोगों को, आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन नुस्खा डिस्क्रिप्शन में लिखकर मत दीजिए। तो तब से मैंने इसको लिखना बंद कर दिया है, और अब आप मुझसे इस प्रकार की रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने उस उनके प्रश्न को गंभीरता से लिया और ये वास्तविकता है, कुछ व्यक्तियों के रोजी रोटी पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। इसमें कई नुस्खे ऐसे हैं कि केवल एक नुस्खे से व्यक्ति बैठकर अपनी रोजी चला रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। कई नुस्खे हैं इसके अंतर्गत ऐसे, आपको पहचानने की आवश्यकता है। और अभी भी जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन को खोलकर अवश्य देख लिया करें, क्योंकि उससे संबंधित अन्य जो वीडियो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, तो वहां से खोल करके आप देख सकते हैं और संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैंने आपके लगभग लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है, और आप इसी प्रकार से लाभ उठाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। जो भी कमेंट आता है, जो भी व्यक्ति कमेंट करते हैं नए से नया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पश्चात कमेंट करें, उनको उसका जवाब मिलता रहेगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर देता हूं। आपने देखा होगा YouTube पर कोई भी व्यक्ति आपको उत्तर नहीं दे रहा है, कमेंट पड़े हैं बस। तो इनको गंभीरता से लें और मुझे भी गंभीरता से लेने की लें आप, किसी प्रकार की मजाक या अपशब्द प्रयोग ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।